इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश पांडु वंश के विषय में। पांडु वंश जिसका संस्थापक था इंद्रबल। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में सरभपुरीय राजवंश। तो सरभपुरीय राजवंश का जो अंतिम शासक हुआ प्रवर राज, उससे पहले एक शासक था सुदेव राज। तो सुदेव राज के समय में ये जो इंद्रबल है उसका सामंत था सुदेव राज का। और सुदेव राज के बाद जब प्रवर राज शासक हुआ सरभपुरीय राजवंश का, तो इस इंद्रबल ने क्या किया, जो कि सुदेव राज का सामंत था, इसने जो है प्रवर राज की हत्या कर दी। इंद्रबल ने प्रवर राज की हत्या कर दी और इससे जो है सरभपुरीय वंश का अंत हो गया। और इस इंद्रबल ने फिर जो है छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की। इसके पिता का नाम था उदयन। इंद्रबल का जो पिता था उदयन, तो इंद्रबल ने जो है अपने वंश पांडु वंश का जो आदि पुरुष अपने पिता उदयन को माना। तो याद रखेंगे जो उदयन था पांडु वंश का आदि पुरुष, अगर पूछा जाता है पांडु वंश का आदि पुरुष कौन था तो उदयन, और पांडु वंश का संस्थापक कौन था तो इंद्रबल। इंद्रबल याद रखेंगे जो कि सरभपुरीय राजा सुदेव का सामंत था इंद्रबल। उसके बाद इंद्रबल के जो है चार पुत्र हुए, नन्नराज प्रथम, सूराबल, ईशान देव और भवदेव। भवदेव को ही भूदेव के नाम से भी लिखा गया है। तो इन चारों पुत्रों में से जो है नन्नराज प्रथम जो है इंद्रबल के बाद पांडु वंश का शासक हुआ, और बाकी जो तीन थे उनको जो है महामंडलाधिपति बनाया गया। मतलब कि महामंडलाधिपति एक पद होता था, वो पद दिया गया बाकी तीनों को। नन्नराज प्रथम इंद्रबल के बाद शासक हुआ। नन्नराज प्रथम के विषय में बस इतना ही याद रखना है कि पांडु वंश का शासक था और इंद्रबल का पुत्र था। नन्नराज प्रथम के बाद उसका पुत्र, मतलब कि नन्नराज प्रथम के जो है दो पुत्र हुए, एक महाशिव तीवरदेव और दूसरा हुआ चंद्रगुप्त। इसके दो पुत्र हुए। तो सबसे पहले महाशिव तीवरदेव पांडु वंश का शासक हुआ। महाशिव तीवरदेव के समय पांडु वंश का बहुत अधिक विस्तार हुआ। मतलब कि इससे पहले जो इंद्रबल नन्नराज थे उनके समय जो है पांडु वंश का उतना विस्तार नहीं हुआ जितना कि महाशिव तीवरदेव ने पांडु वंश का विस्तार किया। मतलब कि उसने जो है अपने पड़ोसी राज्यों को जीत करके अपने राज्य में मिलाना शुरू किया। महाशिव तीवरदेव, इसको जो है पांडु वंश का पहला प्रतापी शासक भी कह सकते हैं। इसकी उपाधि याद रखना है आपको, सकल कोसलाधिपति। किसकी? महाशिव तीवरदेव की, सकल कोसलाधिपति। इसके बाद महाशिव तीवरदेव का पुत्र हुआ नन्नराज द्वितीय। नन्नराज द्वितीय पुत्रहीन दशा में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि इसका कोई पुत्र नहीं होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है नन्नराज द्वितीय का। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नन्नराज द्वितीय का चाचा चंद्रगुप्त, जो कि महाशिव तीवरदेव का भाई था और नन्नराज प्रथम का पुत्र था। देखिए, मैंने बताया नन्नराज प्रथम के दो पुत्र हुए, महाशिव तीवरदेव और चंद्रगुप्त। पहले जो है महाशिव तीवरदेव शासक होगा और उसके बाद जो है महाशिव तीवरदेव का पुत्र नन्नराज द्वितीय शासक होगा, और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त, जो कि महाशिव तीवरदेव का भाई था, वो शासक होगा। बस इसका इतना ही आपको नाम याद रखना है, चंद्रगुप्त, जो कि पांडु वंश का शासक था। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त का पुत्र हर्षगुप्त पांडु वंश का शासक हुआ, हर्षगुप्त याद रखेंगे। और इस हर्षगुप्त का उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति में हुआ है। आगे हम देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति के विषय में। तो याद रखेंगे हर्षगुप्त, हर्षगुप्त ने सूर्यवर्मन जो कि मौखरी वंश का शासक था, वो याद रखेंगे, सूर्यवर्मन जो कि मौखरी वंश का शासक था, उसकी पुत्री वसाका देवी से विवाह किया। याद रखेंगे हर्षगुप्त का वसाका देवी से विवाह हुआ। और ये जो हर्षगुप्त था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जितने भी मतलब पांडु वंश के जितने शासक हुए वो सभी के सभी जो है वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। मतलब कि विष्णु को मानते थे। केवल और केवल ये जो महाशिव गुप्त बालार्जुन होगा वो शिव को मानने वाला होगा, और इसके अलावा जो भी शासक होंगे सभी जो है विष्णु के भक्त होंगे। तो हर्षगुप्त भी विष्णु का परम भक्त था। तो इसकी पत्नी वसाटा देवी ने, जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तब वसाटा देवी जो है अपने पति की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण कराती है। कहां? सिरपुर में। सिरपुर जो कि पांडु वंश की राजधानी थी। याद रखेंगे राजधानी पांडु वंश की कौन थी? सिरपुर। तो सिरपुर में जो है वसाटा देवी एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराती है, जिस विष्णु मंदिर को आज हम लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? वसाटा देवी ने। हालांकि जो वसाटा देवी है उसने जो है मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, उसके बाद जो है इनका पुत्र महाशिव गुप्त बालार्जुन ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। आगे हम देखेंगे। तो ये था हर्षगुप्त। इसके बाद हम देखते हैं महाशिव गुप्त बालार्जुन,
ये जो है पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका जो शासन काल था 595 से 655 तक, लगभग इसने जो है 60 वर्ष तक शासन किया। इसकी उपाधियां देख लेते हैं हम, बालार्जुन, रणकेसरी, और ये जो महाशिव गुप्त है ये भी इसकी उपाधि थी। इसका जो मूल नाम था अर्जुन, याद रखना है इसका मूल नाम अर्जुन था, लेकिन जब ये छोटा था, बालक था, तो उस समय जो है ये पांडव, जो पांडव थे अर्जुन, पांडव वंशी अर्जुन के समान ये महाधनुर्धर था, मतलब कि धनुर्विद्या में निपुण था। कौन? ये जो बालक अर्जुन है, पांडु वंशीय शासक। तो इस कारण से जो है इसको बचपन में बालार्जुन कहा गया, मतलब कि ये जो है धनुष वनुष चलाने में काफी माहिर था, तीरंदाजी में माहिर था अर्जुन, इस कारण बालार्जुन कहा गया। इसके अलावा इसकी दूसरी उपाधि है रणकेसरी, और इसने जो है महाशिव तीवर देव के समान ही महाशिव की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त लगाना शुरू किया, तो इस कारण फिर इसने जो है गुप्त लगाया। तो इसकी जो उपाधि क्या है, महाशिव गुप्त, बालार्जुन, रणकेसरी, याद रखेंगे। मैंने बताया कि इसका जो शासन काल है 595 से 655 तक रहा, 60 वर्ष का शासन काल रहा, काफी लंबे समय तक इसने शासन किया। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात है कि इतने लंबे समय तक शासन करने के बावजूद इसका एक भी सिक्का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब कि इसके समय का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद आगे हम देखते हैं शैव मत का अनुयायी। देखिए, मैंने अभी बताया कि जो पांडु वंश के अधिकांश राजा थे वो विष्णु के भक्त थे, मतलब कि वैष्णव धर्म को मानते थे। लेकिन एक केवल और केवल ये जो महाशिव गुप्त बालार्जुन है वो शैव मत का अनुयायी था, मतलब कि शिव का उपासक था। लेकिन इसके बावजूद भी, मतलब कि वो शिव का उपासक होने के बावजूद भी उसने जो है अन्य धर्म, अन्य मतों को अपने राज्य में मान सम्मान दिया, मतलब कि वैष्णव धर्म का भी उसके राज्य में विकास हुआ। इसके अलावा जो बौद्ध और जैन धर्म है इसका भी ये जो महाशिव गुप्त बालार्जुन था उसके राज्य में बहुत अधिक विकास हुआ। विशेष करके जो बौद्ध धर्म, जो सिरपुर था इनकी राजधानी, वो बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था इसके समय में। इसके बाद देखते हैं चीनी यात्री वेनसोंग, ये जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया। देखिए, जो वेनसोंग कौन था, ये चीन का था, ये जो है एक बौद्ध धर्म को मानने वाला था और भारत आया था बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाणिक ग्रंथ की तलाश में, मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी पुस्तकों की रचना की गई थी उनके लिए ये यहाँ आया था, बौद्ध धर्म के विषय में और अधिक जानने के लिए। अब देखिए, इस समय जो है हमारा जो सिरपुर था छत्तीसगढ़ का, जो कि पांडु वंश की राजधानी थी सिरपुर, तो वो भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र था। तो इस कारण से जो है ये वेनसोंग यहाँ आया था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में वो जो है मूलतः जो है सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। मैंने बताया कि सिरपुर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र रहा, इसलिए इसने जो है यहाँ की यात्रा की। ये कब आया था, तो 639 ईस्वी में आया था। अब देखिए, ये यात्री था तो इसने जो है अपना यात्रा वृतांत लिखा, उसका नाम याद रखेंगे सी यू की, और अपने यात्रा वृतांत में इसने जो है हमारे कोसल को क्या लिखा है, किया सलो, मतलब कि अच्छे से उसको उच्चारण नहीं कर सका होगा, कोसल अच्छे से बोल नहीं सका होगा, तो उसको क्या लिखा है, किया सलो, याद रखेंगे किया सलो। उसके बाद देखते हैं आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार, ये दोनों विहार सिरपुर में स्थित हैं। देखिए, विहार क्या होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित होता है विहार, बौद्ध विहार, जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार, जो कि पांडु वंशीय शासक बालार्जुन के समय का है, कहां है ये, सिरपुर में है, याद रखना है आपको। अब देखिए, जो ये जो बालार्जुन था इसके शासन काल में सभी धर्मों को जो है मान सम्मान दिया जाता था, सभी धर्मों का विकास हुआ। इस कारण से जो है बालार्जुन के शासन काल को पांडु वंश और छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ और पांडु वंश के इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है बालार्जुन के शासन काल को। अब देखते हैं महाशिव गुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक, मतलब कि ये जिस समय शासक हुआ उस समय भारत में और कौन कौन से शासक थे। अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो जब ये छत्तीसगढ़, मतलब कोसल क्षेत्र में शासन कर रहा था महाशिव गुप्त बालार्जुन, तो उस समय जो है बस्तर क्षेत्र, जिसको कि महाकांतर, कांतर, दंडकारण्य कहा जाता था, तो उस समय जो है बस्तर क्षेत्र में नल वंश का शासक था, मतलब कि नल वंश के राजा उस समय बस्तर में शासन कर रहे थे। उसके बाद भारत में हम देखते हैं तो उत्तर भारत में वर्धन वंशीय शासक हर्षवर्धन का शासन था, याद रखेंगे उत्तर भारत में हर्षवर्धन। वही दक्षिण भारत में जो है चालुक्य वंशीय शासक पुलकेसिन द्वितीय का शासन था। इसका जो क्षेत्र था, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला क्षेत्र था, पुलकेसिन द्वितीय का, किस वंश का था, याद रखेंगे चालुक्य वंश। उसके बाद
दक्षिण में, मतलब कि जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र था वहां पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन था। याद रखेंगे उत्तर भारत में हर्षवर्धन, दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का था, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश का था। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, ये जो पुलकेशिन द्वितीय है उसका एक अभिलेख है एहोल प्रशस्ति, जिसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रविकृति द्वारा किया गया है। तो इस एहोल प्रशस्ति में जो हर्षगुप्त है, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का पिता है, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बालार्जुन के विषय में लिखा गया है, मतलब कि इन दोनों का यहाँ उल्लेख है एहोल प्रशस्ति में, याद रखेंगे। और देखिए ये जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने हर्षवर्धन को परास्त किया था, मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य जो है युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था जो कि इनका समकालीन था, तो इसने जो है हर्षवर्धन का साथ दिया था और जिस कारण जो है पुलकेशिन द्वितीय ने बालार्जुन को भी परास्त किया था। लेकिन किसी तरह जो है बालार्जुन ने अपने राज्य की रक्षा की और यहाँ शासन करता रहा। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि जो ये महाशिवगुप्त बालार्जुन था उसने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब कि अलग अलग मत देते हैं। ये जो पुलकेशिन द्वितीय था उस समय जो है अपने आसपास जितने भी राज्य थे उन पर आक्रमण करके उन्हें जीत रहा था, तो ऐसा संभव है कि ये जो बालार्जुन के ऊपर भी इसने आक्रमण किया रहा होगा। अब देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल 595 से 655 तक रहा, तो इसके समय तक तो ये जो पांडु वंश था अपने चरमोत्कर्ष पर रहा, लेकिन इसके बाद मतलब कि जब इसकी मृत्यु हो गई फिर जब इसके उत्तराधिकारी आए तो उतने योग्य नहीं थे कि इसके साम्राज्य को इसके राज्य को संभाल सके। इसके बाद जो है पांडु वंश का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि देखिए ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ये भी जो है पांडु वंश के ऊपर आक्रमण कर रहा था, और जो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर के जो नल वंश के शासक थे वो भी जो है इस पर आक्रमण करते थे पांडु वंश के ऊपर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पांडु वंश मतलब कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के बाद जो इसके जो वंशज हुए मतलब कि इसके उत्तराधिकारी हुए उतने योग्य नहीं थे कि इसके शासन को संभाल सके। उसके बाद जो है बस्तर के नल वंश ने पांडु वंश के राज्य पर शासन किया, जिनमें विलास तुंग प्रमुख था, नलवंशीय शासक विलास तुंग, जिसने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। विलास तुंग नलवंशीय शासक था। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, ये जो पांडु वंश है इसको सोम वंश भी कहा जाता है। जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था उसके समय में जो है इसको सोम वंश कहा गया। तो याद रखेंगे पांडु वंश और सोम वंश दोनों एक ही वंश है, मतलब कि पांडु वंश को सोम वंश भी कहा जाता था। तो ये था छत्तीसगढ़ में पांडु वंश।